साल 2024 का पहला ग्रहण जल्द ही लगने जा रहा है। इस साल में 4 ग्रहण लगेंगे और सबसे पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा जो कि 25 मार्च को लगने वाला है। ग्रहण का ज्योतिष में खास महत्व होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का हर राशि पर अलग अलग असर पड़ता है और इसी असर के मद्देनजर राशियों को अच्छे बुरे फल मिलते हैं। ग्रहण के प्रभाव के चलते राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस साल ग्रहण के चलते जहां कुछ राशियों को संभल कर रहने की जरूरत होगी, वहीं इस साल सूर्य और चंद्र ग्रहण से 5 राशियों की किस्मत खुलने वाली है। 2024 में कब लगने वाला है ग्रहण और कौन सी हैं वो 5 राशियां जिन्हें इस साल के ग्रहण से फायदा पहुंचेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल 2024 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं। 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन ये ग्रहण कई राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है मेष राशि का। 8 अप्रैल को लगने वाला सोलर एक्लिप्स मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। जिन लोगों की मेष राशि है उनका दाम्पत्य सुख बढ़ने वाला है। मेष राशि के लोग अच्छा समय गुजारेंगे, नौकरी में तरक्की मिलने के योग बनेंगे और साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। इस साल ग्रहण से फायदे में रहने वाली दूसरी राशि है मिथुन राशि। इस राशि के लिए भी इस साल के सूर्य और चंद्र ग्रहण अच्छे फल लेकर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा होगा। अच्छे परिणाम मिलेंगे और पढ़ाई में बेहतर कर पाएंगे। निवेश की बात करें तो निवेश करने के लिए अच्छा वक्त है। सेहत अच्छी रहेगी और परिवार में सुख के साधन बढ़ेंगे। नौकरी और व्यापार में बढ़ोतरी होगी और साथ ही घर में आय के नए संसाधन खुल सकते हैं। इसके साथ ही सिंह राशि के जातकों के लिए भी साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण काफी अच्छा साबित होगा। इनकी आय में चौतरफा इजाफा होगा। किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो सफलता हासिल होगी। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। काफी समय से रुके हुए कामकाज पूरे होंगे। ऑफिस में इज्जत बढ़ेगी और बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा। इस राशि के जातकों को इस दौरान खूब सारी यात्रा करने के योग बनेंगे। अब बात कन्या राशि की करें तो इस राशि वालों के लिए 8 अप्रैल को पड़ रहा सूर्य ग्रहण कई लाभ देगा। आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट होगा, नौकरी करने वालों को तरक्की मिलेगी, साथ ही जिस प्रमोशन का आपको इंतजार था वो मिलने के योग बन रहे हैं। आपको धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे। और अगर आप कुछ नया काम करने वाले हैं या फिर नया काम करने का प्लान कर रहे हैं तो ये समय अच्छा होगा। वहीं धनु राशि के लिए भी सूर्य और चंद्र ग्रहण बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा है। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा और जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। नौकरी और बिजनेस में अच्छा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मान सम्मान में इजाफा होगा। नए काम शुरू होंगे और निवेश में भी लाभ मिलेगा। तो ये थी वो 5 राशियां जिन्हें इस साल के पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से फायदा पहुंचेगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।